और अब बात मैनपुरी, जिसका ताज इस बार डिंपल और रघुराज में किसके सर होगा, ये सवाल इस वक्त पूरा प्रदेश पूछ रहा है। क्योंकि उपचुनाव में 3 सीट पर भले ये चुनाव हो रहा हो, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा मैनपुरी की है। जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, सपा ने अपने किले को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सवाल ये है कि मैनपुरी की जनता नया इतिहास लिखेगी या फिर अपने आप को दोहराएगी। मैनपुरी का किला, सपा का सबसे ताकतवर जिला, विरासत बचाने की लड़ाई प्रतिष्ठा पर आई। किसको मिलेगा मैनपुरी का ताज? ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। टेम्पल यार रघुराज, उपचुनाव की जंग में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की है तो वो मैनपुरी है। क्योंकि ये वो सीट है जहां पिछले 3 दशक से समाजवादी पार्टी का एक शत्र राज रहा है। ये वो सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव की 3-3 पीढ़ियां लोकसभा का चुनाव जीती है। अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि जब जब बात उपचुनाव की आई है, सपा के साथ हार ही आई है। और अब सवाल बड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी मैनपुरी भी हार जाएगी? क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भीतर भी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ सुलह कर ली, तो शिवपाल ने भी मैनपुरी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत दी है। मैं तो नहीं कहता, कहना चाहता हूं, अब अखिलेश को मैंने अपना पूरा जीवन दे सकते। चाचा और भतीजे के बीच जो रिश्तों की बर्फ जमी हुई थी वो पूरी तरह से पिघल गई। दोनों एकजुट नजर आए और इसका सियासी मायने भी देखे गए। लगातार मंच पर शिवपाल हो या अखिलेश यादव, दोनों चाचा और भतीजे की बॉन्डिंग की बात करते हुए नजर आए। अब बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश और शिवपाल का जोड़ मैनपुरी का किला बचा पाएगा, क्योंकि भाजपा के लिए ये सीट 2024 में सभी 80 सीट जीतने का रास्ता है। यही वजह है कि खुद सीएम योगी ने मैनपुरी में 2 जनसभाएं की और हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी को सीधी चुनौती दी। चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है, वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। अब मैनपुरी में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 8 दिसंबर को साफ हो जाएगा, लेकिन जो भी नतीजा आएगा उससे 24 का भविष्य साफ हो जाएगा। क्योंकि भाजपा जीती तो उसका सभी 80 सीट जीतने का दावा मजबूत हो जाएगा, और अगर सपा जीती तो भाजपा का मिशन 80 खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।